हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी तो जानिएगा वीडियो में हमने कैसे क्या बनाया है। और वीडियो पसंद आएगा तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे का नोटिफिकेशन वीडियो के आप तक जरूर पहुंच जाए। और आज हम लेकर के आए हैं नए रेसिपी, आलू परवल टमाटर मिर्ची प्याज यानी सारे वेजिटेबल के पकौड़े। तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा जो हमने कैसे बनाया है, इतना कुरकुरे स्वादिष्ट पकौड़े। तो चलिए आगे का वीडियो हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने लिया 2 गांठ लहसुन, यानी आपको जितनी मात्रा में घोल बनाना है उस मात्रा के अनुसार लहसुन लीजिएगा। हमने तो 2 गांठ लिया है और इसको कूच लिए हैं ये खल में। उसके बाद इसका जो भी छिलका है उसको इस तरह चुन करके हमने हटा दिया है, सिर्फ इसका पेस्ट और घोल रह गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड किए हैं हल्दी, मिर्ची और मिक्स मसाला है तो सबसे पहले हमने इसमें डाला है हल्दी पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच मिक्स पाउडर, जिसमें हल्दी धनिया मिर्ची गरम मसाला सब कुछ मिक्स रहता है। 1 चम्मच है मिर्ची पाउडर, सबका घोल बनाएंगे और इसमें आप स्वाद अनुसार नमक और अब ऐड किए 1 कप है बेसन, घोल ना ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे ना पतला पकौड़ा में अच्छा से लिपट जाए, इस तरह का घोल बनाएंगे। तो हाथ से इसको हम पहले मिला लेंगे और इधर जितने भी वेजिटेबल्स हैं सबको हमने काट करके रख लिया है, आलू मिर्ची प्याज टमाटर कद्दू। तो बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर। और इस तरह घोल हमने तैयार किया न गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है, पतला से पकड़ेगा नहीं पकौड़े में और गाढ़ा से बिल्कुल पूरी की तरह हो जाएगा, इसलिए अंदाज से घोल बनाना है। और अब हम आलू इसमें डाले हैं, इसमें मिला करके पकौड़े फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में तेल हमने गर्म कर चुका था, अब तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, रिफाइन में भी। तो हमने रिफाइन लिया है और सबको जितना इस बर्तन में हटेगा उतना पकौड़ा को डाल देंगे। और जैसे ही नीचे से अच्छा से पक जाएगा आपको किनारी से ब्राउन कलर दिखने लगेगा, तो पलटने में बिल्कुल सही तरीक़ा से पलटा जाएगा पकौड़ा।
और ऐसे लट दिए, इस साइड टाइप हो चुका है, इधर भी फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज बिल्कुल घर में बच्चे से आने स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े खाएंगे, बिहार का ये फेमस रेसिपी है, चावल दाल और पकौड़े। तो हमारा पकौड़ा बन चुका है, इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और इधर हमने और जो भी आलू बचे थे उसको भी डाल लिया। इसी तरह इसको भी पलट लेंगे, फ्राई कर लेंगे। बच्चे सबको तो आलू का पसंद आता है, पर सियाने लोग का कद्दू पसंद आता है। इसलिए सब तरह के वेजिटेबल्स को बनाना पड़ता है। हमारा पकौड़ा तैयार हो चुका है। अब हम आगे टमाटर का बनाएंगे। इसी तरह जो भी है मिर्ची प्याज बचा कद्दू भी, ये तो आलू ही फ्राई हुआ है, तो सबको बना लेंगे बारी बारी से। मिर्ची के लोग बहुत पसंद करता है पकौड़ा। बहुत ही टेस्टी भी लगता है, तीखा तीखा कुरकुरा। अब बनाएंगे हम कद्दू के पकौड़े। तो ये भी एक साइड बन चुका, दूसरी साइड भी तैयार हो गया और हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।